छोटी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए मुझे सर्च करें सविकार भारद्वाज यूट्यूब पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस को सुनने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्ते, मैं हूँ स्वीकार और आज इस हफ्ते फिर दोबारा एक नई छोटी मोटिवेशनल कहानी के साथ आ गया हूँ आपके बीच। तो ये कहानी आज की शुरू होती है गाँव से। गाँव के अंदर एक बुजुर्ग इंसान थे, दिन रात भगवान की पूजा करके एक ही बात मांगते थे कि भगवान जब तेरी मदद की जरूरत पड़े तू आना जरूर। तो हर रोज एक ही बात कहना पूजा के अंदर, जब तेरी मदद की जरूरत पड़े तू आना जरूर। तो एक दिन उस गांव के अंदर बाढ़ आ गई और गांव के जितने भी लोग थे सबने गांव खाली कर दिया, लेकिन वो बुजुर्ग ने खाली नहीं किया। सबने कहा कि आ जाओ, उन्होंने कहा ना मेरी मदद के लिए तो वही आएगा। तो सब चले गए। थोड़ी देर बाद जब पानी का लेवल बढ़ा तो वहां पर आर्मी वालों ने कुछ जवान लड़कों को भेजा कि जाओ बाबा जी की मदद करो। तो जवान लड़के गए और उन्होंने कहा कि आ जाओ बाबा जी वरना डूब जाओगे। उन्होंने कहा ना मेरी मदद के लिए तो वही आएगा। वो भी चले गए बेचारे। थोड़ी देर बाद जब पानी का लेवल और बढ़ा तो फिर आर्मी वालों ने अपनी किश्ती भेजी और फिर कहा कि बाबा जी आ जाओ, पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो बाबा जी ने उन किश्ती वालों को भी कहा कि ना मेरी मदद के लिए तो वही आएगा। तो फिर थोड़ी देर बाद पानी जब और बढ़ गया तो बाबा जी भी अब छत पे पहुंच गए और छत पे पहुंचने के बाद आर्मी वालों ने अपना हेलीकॉप्टर भेजा और सीढ़ी नीचे फेंकी और कहा कि बाबा जी आ जाओ, आखिरी मौका है, इसके बाद कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। उन्होंने कहा ना मेरी मदद के लिए तो वही आएगा। और लास्ट में भगवान के पास ही पहुंच गए और भगवान के पास पहुंच के भी अकड़ के खड़े हो गए। भगवान ने कहा कि क्या हो गया भाई, क्यों अकड़ के खड़ा? तो उन्होंने कहा कि मैंने सारी जिंदगी पूजा की और एक ही बात तो मांगी थी कि जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े तुम आना जरूर, तो मुझे अब तुम्हारी मदद की जरूरत थी, तुम आए क्यों नहीं? तो भगवान ने कहा कि अरे मैं तो तीन तीन बार आया था, एक बार उन लड़कों के रूप में, एक बार उस किश्ती में और एक बार हेलीकॉप्टर में, तुम समझे नहीं तो मैं क्या करूं? तो भगवान कभी ये दिखा के थोड़ा ही आता है कि कैसे आ रहा है भगवान। या मौका जो होता है ना वो आता है जिंदगी के अंदर, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते। हम सबके जीवन के अंदर कोई ना कोई मौका किसी न किसी रूप के अंदर आता है। कभी हो सकता है किसी स्कूल के अंदर किसी बच्चे को उसके टीचर ने कहा होगा कि बेटे आप डांस में पार्टिसिपेट करोगे, तो या फिर शर्म के मारे या पता नहीं किस मारे में उस बच्चे ने कह दिया होगा कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना। हो सकता है कि कॉलेज के अंदर जब आपकी फ्रेशर्स पार्टी थी तो आप अच्छा गाते थे तो किसी ने कहा कि तू अपने गाने की परफॉर्मेंस क्यों नहीं देता, तो आपने वहां पे भी वो मौका चूक दिया हो। हो सकता है कि आपके ऑफिस के अंदर आपके बॉस ने आपको कहा होगा कि तुझे मौका मिल रहा है कि प्रेजेंटेशन देने का, तो हो सकता है कि आप उस दिन अच्छी प्रेजेंटेशन देते तो आपको पता नहीं क्या से क्या आपके ऑफिस के अंदर मिल सकता था। हो सकता है कि आपके जीवन के अंदर कोई ऐसा इंसान आया था कि जिसे अगर आपने समझ लिया होता वो आपके जिंदगी की हर जरूरत को पूरा कर सकता था, लेकिन आपने उसे भी गवा दिया। हम सब के जीवन में मौके आते हैं। अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे मॉर्गन से किसी ने पूछा कि आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, क्या कारण था कि इतना बड़ा एम्पायर आपका खड़ा हो गया? तो मॉर्गन ने जवाब दिया कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो राज है, जो सबसे बड़ी शेयरिंग मैं कर सकता हूँ, वो ये बात है कि मैंने अपने जीवन में कभी किसी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया। अपॉर्चुनिटी जब भी आती तो मैंने उसको पकड़ लिया और उस अपॉर्चुनिटी के जरिए मेरा जीवन, मेरा बिजनेस इतना बड़ा होता चला गया। तो पूछने वाला भी बड़ा समझदार रहा होगा। पूछने वाले ने एक सवाल और पूछा कि ये जो अपॉर्चुनिटी होती है ये तो बड़ी तेज गति में, घोड़े की गति में आती है और बड़ी क्षणिक होती है, फटाफट आई और उसको पकड़ लो तो ठीक है, नहीं पकड़ा तो वो तो चली जाती है, तो आपने कैसे अपॉर्चुनिटी को पकड़ा? तो मॉर्गन ने जवाब दिया कि अपॉर्चुनिटी, मैं मानता हूं कि अपॉर्चुनिटी का घोड़ा बड़ी तेज आता है, उसको कूद के पकड़ना पड़ता है, तो मेरा एक राज और है कि हम सारी जिंदगी कूदते ही रहे। जब भी अपॉर्चुनिटी का घोड़ा आया हम उसके ऊपर सवार हो गए और अपॉर्चुनिटी हमें वो मिल गई। मैंने कहीं पढ़ा था कि सक्सेस कम्स टू दोज हु आर ऑलवेज ऑन अ डांस फ्लोर। तो आप सबसे भी यही कहना चाहूंगा कि आप भी वो डांस फ्लोर का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त नाचते रहो, डांस फ्लोर का मतलब ये है कि जीवन में तैयार रहो। जब हम जीवन के अंदर तैयार रहेंगे किसी मौके के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, तो हमें वो मौका अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आपके जीवन में बड़े सारे अपॉर्चुनिटी मौके आ रहे हैं। किसी को बिजनेस के अंदर कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट दिख जाता है लेकिन वो उसमें डिले कर देता है, देर कर देता है, पता चलता है तब तक हमारा कॉम्पिटिटर उस प्रोडक्ट को लेके मार्केट में आ चुका और पता नहीं कितने पैसे उसने उससे कमा लिए। मुझे आज भी याद है कि मैं जब 21-22 साल का था तो मैं नौकरी किया करता था एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। तो वहां जो मेरे बॉस थे उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि टारगेट बहुत बड़ा लगता था, मैं सेल्स में था, मुझे बीमे बेचने होते थे, इंश्योरेंस बेचना होता, तो टारगेट बहुत बड़ा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि इतना बड़ा टारगेट कैसे होगा, उस जमाने में मेरे लिए बड़ा था। लेकिन मेरे बॉस ने मुझे तब एक बात कही थी कि आज अगर तूने ये टारगेट पूरे कर दिए
तो एक दिन ऐसा आएगा तेरा एक महीने का टारगेट है ना आज जितना, उससे ज्यादा तेरी एक महीने की इनकम होगी। और आज वही अपॉर्चुनिटी को पकड़ा था, वो टारगेट पूरे किए थे उस टाइम, आज उनकी बदौलत आज सच में एक ऐसा टाइम आ चुका है कि जो मेरा एक महीने का टारगेट होता था, आज उतनी तो मेरी एक महीने की इनकम नहीं है लेकिन उससे कहीं ज्यादा मेरी एक महीने की इनकम है जितना एक महीने का टारगेट होता था सेल्स करने का। तो मौके को कभी जाने ना दें, आप सबके जीवन में कोई ना कोई मौका आता है, मौके को समझें और उसको अपॉर्चुनिटी को, मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना उसके लिए थैंकफुल हूँ। आप सबके अंदर बैठे भगवान को मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।